बेसिक चीज है मास्टर प्लान। कराची का जब मास्टर प्लान ही नहीं है, कहाँ है मास्टर प्लान? मतलब कोर्ट कह चुकी है, दिखाएं लाके मास्टर प्लान, किधर है? मास्टर प्लान ही नहीं है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है इस ये राइट साइड पे बन रहा है, मलीर रिवर के राइट बैंक पे, राइट पे ऑल द वे वहां से शुरू होगा, केपीटी फ्लाईओवर से, और ऑल द वे जाते हुए मलीर से होता हुआ ये M9 कार्ड 4 पे एंड हो जाएगा। अच्छा, अब जब इसका सर्वे हुआ, गवर्नमेंट ने सर्वे किया, तो यहाँ पे सर्वे के साथ इनके दो इश्यूज आए। एक तो ये कि ये इस पूरे एक्सप्रेसवे से यहाँ पे मलीर के जो एशियन गोट्स हैं, कदीम गांव, वो डेमोलिश हो रहे हैं। उसके अलावा वहां पे रिवर बेड पे जो इकोलॉजी है, जो बायोडायवर्सिटी है, जो वहां की ग्रीनरी है, वो इफेक्ट हो रही है। हमने वहां सर्वे किया वेरी फर्स्ट, तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको मार्च 2021 की। तो उस वक्त जो है वो मास लेवल पे बहुत ज्यादा इनका हो रहा था, मतलब जो इन्होंने एस्टिमेट किया था गवर्नमेंट साइड ने, वो तकरीबन 150 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने वो किया था कट डाउन के ये एक्सप्रेसवे में आ जाएगी, और तकरीबन कोई 700 से ऊपर हाउस होल्ड से कि ये जो है वो आ जाएंगे। लेकिन वहां पे जो उस वक्त के एस्टिमेट है उसको इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। अच्छा, उसकी वजह क्या थी कि जब वहाँ के जो कदीम रिहायशी हैं उन्होंने बड़ा इसको बहुत ज़्यादा इस पे प्रोटेस्ट किया, इस पे जो है वो अपने खदशात का, तहफ़ुजात का इजहार किया, तो उस वक्त जो है वो सबसे की नोट ये था कि उस वक्त PS-88 के इलेक्शन हो रहे थे बाय पोल्स, जो कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, उनकी वफात के बाद उनका बेटे वहाँ पे खड़े हुए थे, और वहां पे पीपल्स पार्टी का स्टेक था बिकॉज दे ऑल आर द वोटर्स। तो उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने उसका सर्वे जो उस वक्त का डीसी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मिलके कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने उस सर्वे को रोक दिया। और एक चीज ये भी बोली कि हम इसको राइट साइड पे नहीं कर रहे, हम इसको राइट साइड पे नहीं करेंगे बल्कि इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। उस वक्त इन्होंने इलेक्शन निकाले, पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई, सीट उनकी रिटेन हो गई, उनके पास आ गई। अच्छा, फिर इन्होंने दोबारा इसको उसी तरफ सर्वे किया और उसी तरफ इन्होंने कहा कि भाई हमें जो चेंज ऑफ वे हो रहा है वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है और इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ये वो हम यहाँ पे मिटिगेट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो गोट्स जो सफर हो रहे हैं उनमें सम्मो गोट है, मेमन गोट है, ओल्ड थानो गोट है, मक्सी गोट है, और इसके अलावा लासी गोट है, और इससे जुड़े हुए तकरीबन कोई मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 80 के करीब जो गोट्स हैं वो यहाँ पे सफर हो रहे हैं। अब जो सूरत हाल इनकी निकली वो ये थी, जब इन्होंने सर्वे किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और डीसी मलीर की जो सर्वे रिपोर्ट थी इसके मुताबिक, अब यहाँ पे ये इस बात पे पहुंचे हैं कि तकरीबन कोई 400 के करीब घर डेमोलिश होंगे और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 40 एकड़ के करीब कोई एग्रीकल्चर लैंड जाएगी। अब जो इशू बन रहा है वो मेन है कि वहां पे जो गोट्स हैं, जो गोट वहां पे हैं उनके जो रिहायशी हैं, जो कदीम रिहायशी हैं, वो किसी सूरत इस चीज पर तैयार नहीं है कि हमारे घर तोड़े जाएं। आपके जब फ्लड्स आएंगे, जब मानसून रेन्स आएंगी, उसमें आपका ओवरफ्लो लाजमी होगा, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग हमें पूरे शहर में नजर नहीं आती, तो मलीर एक्सप्रेसवे पे क्या नजर आएगी? क्योंकि वो जो एक्सप्रेसवे है मलीर रिवर के अंदर भी जा रहा है, उससे फिर बाहर भी, और मलीर रिवर का जो बेड है उससे काफी क्लोज है, तो जब वहां कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जब कंक्रीट वहां आ जाएगा, तो वो जो वाटर फ्लो है वो आपका डैमेज होगा, क्योंकि मलीर रिवर में
तीन ट्रिब्यूटरीज आती हैं, और वो आने के बाद जब बारिशों के सीजन में, जब मानसून सीजन होता है, तो वो वहां से वाटर फ्लो करता है। लेकिन जब कंक्रीट आ जाएगा, जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो वो वाटर लाजमी जो है वो बैकलैश मारेगा, और वो फिर जो है वो आबादी वहां की मुतासिर होगी, और वहां से जब पानी जब बैक मारेगा तो वो कोरंगी, जैसे जाम सादे पुल से लेके कोरंगी और इससे मुल्का इलाके लांडी शाह फैसल कॉलोनी, यहाँ पे इन इलाकों के लिए खतरनाक साबित होगा। जब हमारे पास 2020 की टोरेंशियल रेन्स हुई थी तो हमारे शहरी इलाके डूब गए थे। वो क्या वजह थी? वो यही वजह थी कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ जो मकसद है वो है कि सिर्फ एक्सप्रेसवे बना दिया जाए, उसके आउटकम क्या आ रहा है इससे उनको मतलब कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वो एक मोबाइलिटी वे ऑफ फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। फ्रॉम यहाँ से आप इन होंगे DHA फेज 8 से, केपीटी फ्लाईओवर से चढ़ेंगे और विद इन 25 मिनट्स और हाफ एन आवर आप जो है वो M9 पे काठोर पे सुपर हाईवे पे उतर जाएंगे। अच्छा, जो सबसे अहम चीज है जो इन्होंने अपनी प्लानिंग में नहीं किया, वहां पे जब पब्लिक हियरिंग हो रही थी EIA रिपोर्ट की मलीर एक्सप्रेसवे की, तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम सवाल वहां पे जो इंडिजीनियस लोग थे वहां उन्होंने किया, उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे पे जब बाइक अलाउ नहीं है, एक्सप्रेसवे पे जब जो आमतौर पे यहाँ चलती हैं गधा गाड़ियां अलाउ नहीं है, जो कम्यूटर्स का मेन मतलब जो मुतवस्सित तबके और लोअर मिडिल क्लास का जो है, तो फिर ऐसा एक्सप्रेसवे किस काम का जो गरीबों के लिए ही नहीं। आपकी स्टडी नहीं है जो कि वुलरेबल हो गया है जब आपकी EIA हुई वहां पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंडिजीनियस द रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया, उन्होंने वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे, वो वहां पे 100 सालों से रह रहे हैं, उनकी नस्लों की नस्लें जवान हो गई, उन्होंने जो इश्यूज उठाए दैट वो वैलिड थे। उन्होंने ये इशू उठाया कि भाई यहाँ पे इंडेंजर स्पीशीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वुलचर्स वगैरह उनकी इकसाम है वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा काम जो हम कर रहे हैं, जो भी छोटी सतह पे काम कर रहे हैं वो डैमेज हो जाएगा। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने वर्किंग के साथ बताई हैं कि ये हमारी डैमेज हो जाएगी। और जो इसकी जो EIA की है वो दो कंपनीज ने की है, NASPAC ने और EMC कंसल्टेंट्स, इन दोनों ने किए। 800 पेजेस पे अराउंड ये EIA है, लेकिन उस वक्त वो 800 पेजेस लाइक अ जीरो हो गए थे, क्योंकि इन्होंने वहां पे कॉन्सेंसस क्रिएट नहीं किया। इनकी रिपोर्ट बताती है कि हमने कंसल्ट किया वहां पे, वहां की खवातीन से, वहां के बुजुर्गों से, वहां के रिहायशियों से, जबकि वहां पे खवातीन भी थी, उन्होंने कहा हमसे तो किसी ने कंसल्ट नहीं किया। मतलब अगर आप 100 की आबादी में किसी दो लोगों को ऐसे ही पकड़ते हैं कि यार आओ ये, दैट वॉज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, विदाउट द अप्रूवल ऑफ EIA यू आर बाउंड नॉट टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क, आप नहीं कर सकते। लेकिन EIA 9th of March को प्रेजेंट हुई है, और उससे पहले ही इन्होंने कोरंगी जाम सादिक पुल से लेकर कायदाबाद तक का काम शुरू कर दिया। EIA अभी आई भी नहीं थी और इन्होंने काम शुरू कर दिया। मतलब इनके जहन जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ वो यह है कि भाई हमने तो बनाना ही बनाना,